सिर्फ 10% लोग ही क्यों सक्सेसफुल है और बाकी हम लोग जो 90% लोग हैं वो लोग क्यों अपने जिंदगी में कुछ कामयाबी का काम नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोसेस, एक टूल देने जा रहा हूं जिसको अगर आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो फिर आप उस 90% पीपल की कैटेगरी से हटके आप 10% की कैटेगरी में आ सकते हैं। और ये जो चीज होता है, ये हम लोग अनसक्सेसफुल होने के पीछे का एक ही रीजन है कि जब हम लोगों के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर हम लोगों के सामने कुछ डिसीजन लेना होता है तो हम उसमें मुकर जाते हैं। ज्यादातर अपॉर्चुनिटी को हम लोग ना बोल देते हैं। जब कभी कुछ सीखने का सवाल आता है तब हम उसको ना बोल देते हैं। जब कभी कोई काम करने का सवाल आता है तब हम उसको ना बोल देते हैं। और ये जो ना बोलने का जो हम लोगों का आदत है यही हमारे फेलियर्स की वजह है। और आज आप जानेंगे कि हम ये जो ना बोलते हैं, हम लोगों का जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है ये टफ क्यों होती है, आपको क्यों लगता है। मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और रेस्टोरेंट में जाके जब वेटर आपको आस्क करता है कि आपको क्या खाना पसंद करेंगे तो फिर आप क्या बोलते हैं उसको, आप क्या उसको बोलते हैं कि कुछ भी मंगा लो मैं कुछ भी खा लूंगा। या फिर आप जब कोई मॉल में जाते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए क्या आप उस कुछ भी कैटेगरी में पड़ते हैं कि कुछ भी आप परचेस करके ले आते हैं। हम किसी मॉल में जाके या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके हम लोग कुछ भी ऑर्डर नहीं करते या फिर कुछ भी खरीद के नहीं लाते, तब हम लोगों का माइंड जो है माइंड एकदम डिसीजन लेके जाता है कि मुझे ये चीज ही परचेस करनी है और मुझे ये चीज ही खाना है। लेकिन जब ये बात आती है अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, जब ये बात आती है किसी लर्निंग के रिगार्डिंग, जब ये बात आती है किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, तब हम लोगों का माइंड इसको ना बोल देता है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे का जो वजह है वो है हम लोगों की अपब्रिंगिंग। जिस तरीके से हम लोगों का छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक हम लोगों का जैसे अपब्रिंगिंग होता है, हम लोगों का जैसे परवरिश होता है, हम लोगों का माइंडसेट उस ना के तरीके से बन जाता है। एक छोटा बच्चा कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है, उसके अंदर कोई फेयर नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है उसके ऊपर स्कूल्स का प्रेशर, उसके ऊपर ट्यूशंस का प्रेशर, उसके ऊपर जिंदगी में कुछ करने का प्रेशर, ये सारा दबाव के वजह से उसके अंदर एक अपने आप को वो छोटा करते जाता है उन प्रेशर्स के सामने। आप खुद ही देखिए जी, हम लोगों के अंदर जो प्रभाव चलते हैं कि जितना चादर है उतने ही पैर फैलाओ, पैसा को खर्च करने से पहले सोचो, ये सारे जो प्रभाव है ये सब नेगेटिव प्रभाव है। इन सबों का यूज करना आप आज से ही बंद कीजिए। और आपको डिसीजन लेने के लिए मैं एक रूल्स देता हूं जो मैं अपने लाइफ में यूज करता हूं और वो है 30 सेकेंड रूल। ये 30 सेकेंड रूल जानने से पहले आपको माइंड की साइकोलॉजी समझनी जरूरत है। हम लोग का जो ये जो माइंड है ये माइंड बहुत सालों के बाद इवॉल्व होता है। अभी तो हम लोग कॉलोनी में रह रहे हैं, अभी तो हम लोग चारों जगह से हम लोगों के साथ एक सोसाइटी रह रही है, हम लोगों के अगल बगल में बहुत सारे पीपल्स रह रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत साल पहले चले जाए तो फिर तब हम लोग कोई कॉलोनी में नहीं रहते थे, हम लोग किसी गुफा में रहते थे। जो हम लोगों के आदि पूर्व पुरुष जो लोग हैं वो लोग किसी गुफा में रहते थे। उन लोगों के दिमाग में हर वक्त एक प्रेशर रहता था, हर वक्त एक डेंजर रहता था, हर वक्त एक खतरा रहता था। और वो खतरा था कि कोई फायर के कारण उसका खतरा था, खतरा था किसी एनिमल के कारण, जो वाइल्ड एनिमल है उसके कारण खतरा था। तो उस तरीके से हम लोगों का माइंड इवॉल्व होता था और हम लोगों का माइंड एक सेफ मोड में रहना पसंद करता था, एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता था। लेकिन आज हम लोगों का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो उतना अपडेट हो चुका है कि हम लोगों को उन तरीके का कोई खतरा नहीं है। लेकिन हम लोगों का माइंड जिस तरीके से इवॉल्व हो चुका है कि हम लोग सेफ जोन में रहना ही पसंद करते हैं, तो आप इस सेफ जोन से अपने आप को एक ही दिन में बाहर नहीं निकाल पाएंगे। आप इसके लिए ये 30 सेकेंड रूल अप्लाई कीजिए। जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब भी आपके सामने कोई लर्निंग की कोई बात आती है तो फिर आप अपने आप को 30 सेकेंड दीजिए। आपके सामने मान लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, अभी आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप इसको लेंगे या तो आप इसको नहीं लेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि इसको हमने नहीं लिया तो फिर क्या होगा, आज आपने जिंदगी के जो 20 साल 22 साल 40 साल गुजार दिए उसी तरीके के आपका जिंदगी चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया,
आपने इस अपॉर्चुनिटी को अपने अंदर इंप्लीमेंट किया, आपने इस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने काम करना चालू किया, तो फिर ये तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो लाइफ अभी जो चल रहा है उससे वो बेहतर हो जाएगा। तो आगे जाकर जब भी आपके अंदर कोई ऐसी, आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी लर्निंग की बात आती है, तो फिर आप इसका दोनों पक्ष ही विचार कर लीजिए। पहला पक्ष कि अगर आप इसको नहीं करते तो फिर आपके साथ क्या क्या हो सकता है, या फिर आप अगर इसको करते हैं तो फिर आपके साथ क्या क्या हो सकता है। और 30 सेकंड से ज्यादा आप मत लीजिएगा इस डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों का माइंड जो है 30 सेकंड के बाद उस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, उस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको नेगेटिव बातें समझाना चालू कर देता है, वो आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन देना चालू कर देता है। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उन लोगों के माइंडसेट हर वक्त पॉजिटिव नहीं रहते हैं, आप उस कम्युनिटी के साथ नहीं रह रहे जिन लोगों का गोल है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अगर आप उस तरीके के माइंडसेट के लोगों के साथ रहते हैं तो फिर आपको डिसीजन लेना कि ये जो आदत है वो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ घिरे हुए हैं तो फिर मेरा ये 30 सेकंड का रूल आप अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, और मैं आशा करता हूं कि ये जो रूल है ये अप्लाई करने के बाद आपके लाइफ में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर ये रूल अप्लाई करने के बाद आपको कोई बेनिफिट मिलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो वो आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं वीडियो नेक्स्ट वाले टॉपिक में बनाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।